हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज अभिषेक साहू। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट के सॉल्यूशंस को, ठीक है ना। देखो, आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। इससे पहले जो हमारा पार्ट फर्स्ट आया हुआ था, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के 14th क्वेश्चन तक डिस्कस किया हुए थे, आज हम पढ़ेंगे 15th क्वेश्चन से लेकर के और 40-50 मिनट के अंदर जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, मेन चीज़ आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए कि आप जो है ना कैलकुलेशन वाला पार्ट खुद से करेंगे। मैं क्या कराना चाहता हूँ आपको, मैं आपको मेथड पर काम करूंगा आपके लिए, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए हम क्वेश्चन को, जब हमारे सामने क्वेश्चन आए तो उसको विजुअलाइज कैसे करें, सोचे कहते दैट मीन्स थिंकिंग प्रोसेस पर हम साथ में काम करेंगे, ठीक है ना। तो मैं ऐसा सोच के साथ चल सकता हूँ, ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ कि आप कैलकुलेशन कर लोगे ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम आज की क्लास के लिए पढ़ते हैं, जो कि हमारा 1.15, क्लियर है। देखो, तो आपको दिया हुआ है कि भाई कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें एक यूनिफॉर्म इमेजिन करना है, एक यूनिफॉर्म। देखिए, देखो क्वेश्चन तो सिंपल है लेकिन फिर भी आपको सोचना जरूर पड़ेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, कहां पर दी हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी हुई है वो है आपकी 3 × 10³ न्यूटन पर कूलाम, है ना। ऐसे बोल दूं मैं इसको, आई कैप न्यूटन पर कूलाम। आई कैप का मतलब क्या है? मतलब तीन एक्सेस होती है हमारे पास, एक्स वाई जेड। तो हम एक्स को क्या मानते हैं? बोला आई कैप, ठीक है ना। तो देखो, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, क्लियर है बात, है ना। आई कैप का मतलब क्या? एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है ना। और प्लस आई कैप लिखा है तो फिर ये आपकी प्लस एक्स में है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द फ्लक्स, है ना। एक हमारे पास एक स्क्वायर है, क्या है? एक स्क्वायर, ठीक है। तो इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स कनेक्ट होगा, कितना फ्लक्स लिंक होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि दिस स्क्वायर इज कैप्ट पैरेलल टू वाई जेड एक्सिस। क्या लिखा हुआ है? दिस स्क्वायर इज कैप्ट पैरेलल टू वाई जेड एक्सिस, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई आपको नहीं पता, ठीक है। तो एक बार छोटी सी चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम जानते हैं वाई जेड प्लेन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास, देखो, ये आपकी एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में। अच्छा, सॉरी, देखो यहाँ पे ये इस तरह से, ठीक है, ध्यान से देखो। मैंने कहा भाई ये क्या है? बोला ये आपकी जो है ना, ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। बाहर की साइड, अंदर की साइड z एक्सिस होती है। तो अगर मैं ये y एक्सिस और z एक्सिस पे यहाँ पर एक शीट फंसा दूँ इस तरह से, तो ये कौन सा प्लेन हो गया? देखो y z, ठीक है। तो कौन सा प्लेन हो गया? ये वाई जेड प्लेन हो गया, ठीक है। तो स्क्वायर भी हमारा कुछ इसी तरह से रखा हुआ है कि ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रही हमारी ये स्क्वायर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि स्क्वायर से कितनी जो है ना, कितना फ्लक्स लिंक होगा। फ्लक्स लिंक का मतलब समझते हो, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग पैरेलल नॉर्मली टू द सर्फेस, ठीक है ना। चलो देखो, तो ये कंडीशन बना दी गई। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इस तरह से ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें क्या करना है? बस कैलकुलेट कर लेना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू आपका ई वैक्टर डॉट डेल एस वैक्टर, ठीक है ना। थोड़ी सी कंपैरेटिवली बड़ी सरफेस है इसलिए हमने डेल एस मान लिया। अगर हम इस सरफेस के बहुत छोटे से पार्ट की बात करते तो हम डी एस ले लेते, ठीक है ना। तो देखो, फाई ई हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे कर लेंगे? देखो ध्यान से। अच्छा, एक चीज़ और मैंने कहा कि अगर हमारे पास जो सरफेस है ना, ये हमारे पास जो शीट थी, जो स्क्वायर था, ये ऐसे रखा हुआ है, इस तरह से ऐसे रखा हुआ है, तो इसका डेल एस तो ये रहा, तो डेल एस वैक्टर दैट मीन्स एरिया वैक्टर कहाँ होगा? मतलब एरिया वैक्टर होगा इस डायरेक्शन में, हो गया नहीं होगा। तो देखो, मैंने कहा कि भाई आपके पास जो साइड है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो डेल एस सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इस स्क्वायर का? कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर होता नहीं होता, तो ये अगर इसकी साइड ए इज इक्वल 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा? ये 10 का स्क्वायर दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स डेल एस की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको वैक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो मुझे करना पड़ेगा डेल एस वैक्टर एरिया वैक्टर। एरिया वेक्टर अगर मैं लिख रहा हूँ तो मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी? आई कैप, ठीक है ना। वाई जेड में ये रखा हुआ है और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? लेट से इस डायरेक्शन में आई कैप, क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। ये एरिया वेक्टर इस साइड। तो बस अब मुझे कुछ नहीं करना, ई वेक्टर की वैल्यू मेरे पास दी हुई है। ई वेक्टर की वैल्यू कितनी? 3 × 10³ आई कैप, ठीक है ना, इंटू डेल एस वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 100 × सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो आप इसको कन्वर्ट करोगे किस में? तो 10⁻²² का होल स्क्वायर, ठीक है ना। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम इसको, लेकिन चलो ठीक है, एक बार हमने इसको छोड़ दिया। मतलब फाइव इज इक्वल टू 3 × 10³ और ये आपका इंटू में है 100, इंटू में है आपका 10⁻²,
फोर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट किया है, इसलिए हमने ये काम किया है, ठीक है ना। तो देखो ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मतलब फाइव ई इज इक्वल टू आपका ये 30, ये 2050 हो गए, और ये आपका एक, दैट मीन्स 30 आपका 30 बच गया है, ठीक है। फ्लक्स की यूनिट कितनी हो जाएगी आपकी, न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये अपनी निकल के आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, है ना, बहुत सिंपल था। और उस तरह के सभी क्वेश्चंस और इससे अच्छे क्वेश्चंस भी हमने जो है ना क्लास के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। बस आप में से काफ़ी सारे लोगों को कभी कभी जो है ना सोचने पर लग जाता है कि भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चन और मिल जाते तो काम बन जाता, तो बस आपके ही लिए ये सारे काम हुए कर रहे हैं। बाकी ये सारे क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना। चलिए इसमें क्या दिया हुआ है भाई, ये तो हो जाएगा अपना, इसमें बी पार्ट भी पूछा हुआ है। अगर कह रहा है कि भाई अगर ऐसा हो जाए कि फ्लक्स जो है ना, अगर ऐसा हो जाए कि प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है प्लेन के नॉर्मल, दैट मीन्स एरिया वेक्टर डेल एस वेक्टर और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर एंगल आपका थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तब फ्लक्स कितना कनेक्ट होगा। देन वी नो दैट पाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर, और जब हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ओपन करते हैं तो ये ई डी एस कॉस थीटा आता है, ठीक है ना। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, कॉस थीटा की वैल्यू है आपकी, दैट मीन्स कॉस 60 पुट करना है ना, कॉस 60 की वैल्यू कितनी, 1/2। तो देखो E वेक्टर दैट मीन्स E और ds dls का इंटू हमने किया था, तो हमारे पास आंसर कितना आया था, 30 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, मतलब phi E इज इक्वल टू 15 न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यूनिट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलाम, डेल एस दैट मीन्स सर्फेस एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, क्लियर है तेरी बात। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1.16, ठीक है। इसमें क्या पूछा हुआ है, देखो ध्यान से, अब आपको पढ़ना है इसको, ठीक है ना, पढ़ोगे इसको। बोला सर थोड़ा सा आराम से चलें क्या, बहुत आराम से चल रहे हैं, आप ये बताओ हमें कि जब इन सारी चीज़ों को कराया गया था क्लास के अंदर, ठीक है, रेगुलर क्लासेस में, तो क्या आपने उनको पढ़ा हुआ है, क्या आपने खुद से एनसीईआरटी लगा के देखी। आपको काम तो करना हमेशा याद रखना कि पहले एनसीईआरटी को खुद से लगा के देखो, ठीक है ना। हमारी हेल्प तो बाद में लेना, आप पहले क्या करोगे, खुद से लगा के देखो हर सब्जेक्ट की, ठीक है ना। चाहे भले ही हमसे कितना क्वेश्चन बने, भले ही हमसे एक क्वेश्चन बने, लेकिन अगर एक क्वेश्चन भी हमने बनाया तो खुद से बनाया, तो उस कॉन्सेप्ट को हम कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो तो देखो 1.16 में क्या लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। मान लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही दी हुई है, ठीक है। लेट्स से मैंने कहा कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में ई, ठीक है, और हमारे पास जो है ना एक क्यूब मान लो कि भाई इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है ना। ये अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इस क्यूब की साइड है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस तरह से रखा हुआ है, सो दैट ओरिएंटेड का मतलब है रखा हुआ है, ठीक है ना, ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स, है ना। इसके जो फेस हैं, इसके क्या, इसके जो फेस हैं, दैट मीन्स की जो सर्फेसेस हैं वो पैरेलल हैं, किसके पैरेलल हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन समझते हो, एक्स वाई प्लेन, जैसे मान लो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है अभी, चलो मैं मान लो इसको, इसका एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लो मैंने कहा कि भाई इस तरह से कोई भी क्यूब रखा हुआ है कि इसके जो फेस है ना वो पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि एक फेस इसके देखो नीचे वाले के पैरेलल होगा, एक फेस ऊपर वाले के पैरेलल होगा, ठीक है, इसी तरह से एक फेस इसके पैरेलल होगा, होगा या नहीं होगा। तो इस तरह से रखा हुआ है कि फेसेस इसके कैसे हैं, बोला कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल हैं, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फ्लक्स। तो देखो मान लो मैंने कहा कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करती है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिट करती है, तो ये बताओ कि इसके जैसे मान लो कि जितनी फील्ड लाइन इससे एंटर की उतनी फील्ड लाइन इससे एग्जिट हो गई, ठीक है ना। तो बताओ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मीन्स इससे जुड़ने वाला जो फ्लक्स हुआ वो कितना हो गया, जीरो, ठीक है ना। बात समझ में आ गई आपको कि जितनी फील्ड लाइन इससे एंटर करती हैं उतनी फील्ड लाइन अगर बाहर निकल जाए तो नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो क्या बोलोगे कि नेट फ्लक्स लिंक्ड विद इट, दैट मीन्स क्या बोलोगे, नेट फ्लक्स इज जीरो। इस कंडीशन में जो फ्लक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, क्लियर है बात। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर
17 दैट मीन्स 1.17, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, आप इसको पढ़ो तब तक, ठीक है ना। चलिए इसको हटाएं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिल रहा है 1.17, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करना। देखो कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास जो है ना एक बॉक्स है, ठीक है ना, उस बॉक्स के अंदर कोई चार्ज होगा, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सर्फेस ऑफ बॉक्स इज इतना है, ठीक है ना। देखो लेट्स से हमारे पास कोई एक बॉक्स होगा, ये हमने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, इस बॉक्स से लिंक होने वाला जो नेट फ्लक्स है फाई ई इज इक्वल टू जो हमें दे दिया वो है आपका फाई ई इज इक्वल टू की जो वैल्यू दे दी, फ्लक्स की वैल्यू है 8.0 इन 10^3, ये 3 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये फ्लक्स है, ठीक। ये फ्लक्स कैसे बना होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज होगा, ठीक है ना, और बस इसी चार्ज के बारे में हमसे पूछ रहा है, ये चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से क्या बना फ्लक्स, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि इसके अंदर जो है ना नेट चार्ज कितना होगा इस बॉक्स के अंदर, ठीक है ना। तो देखो हमें क्या पता है भाई, हम जानते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो बस वैल्यूज पुट करो ध्यान से, मतलब Q इज इक्वल टू फाई ई की वैल्यू आपको दे दी 8 × 10^3, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको दे दी 8.85, जानते हो उस वैल्यू को, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है नहीं होता, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 64 होते हैं, 64 होते हैं, तो ये आपका हो गया 70 अप्रॉक्स, ठीक है ना, × 10^-9, क्लियर है इतनी बात। चलिए तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, तो आप इसको 70 × 10^-9 लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो कि 0.07 × 10^-6 आपका कूलाम, ठीक है। बोला सर हमें समझ में नहीं आया, तो आप एक काम करो कि आप इसका आंसर यहाँ तक भी छोड़ दोगे ना, तब भी आपका आंसर ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना, ये दोनों आंसर ठीक है, और मैं कोई सा भी लिख देना, ठीक है। देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद आपसे पूछा गया है बी पोर्शन में, इसके किस पे, बी पोर्शन में, इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स वर जीरो कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स, है ना। आपसे कह रहा है कि यदि 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 इस बॉक्स से लिंक होने वाला जो फ्लक्स है फाई ई इज इक्वल टू जीरो है ना, इस बॉक्स से लिंक होने वाला, क्वेश्चन नंबर बी को पढ़ो उसके, है ना, कहा गया अगर फ्लक्स की वैल्यू उस बॉक्स से लिंक होने वाली जीरो है, तो फिर क्या हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, तो हमारा आंसर है नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज हम जानते हैं कि ये जो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये सिंपल इतना ही नहीं होता, इसका मतलब है क्यू नेट एनक्लोज, क्या मतलब है इसका, क्यू नेट एनक्लोज। तो अगर ऐसा हो गया कि भाई इसके अंदर एक प्लस क्यू चार्ज और इसके अंदर एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, तब भी इससे जुड़ने वाला जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नेट चार्ज इसके अंदर अगर जीरो है तो ये जो वैल्यू है फ्लक्स की नेट चार्ज पे डिपेंड करती है, ना कि सिर्फ चार्ज पे, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो अब आप इसके सेकंड पोर्शन को भी समझ गए होंगे कि यदि क्यू की वैल्यू जीरो, दैट मीन्स यदि फ्लक्स की वैल्यू जीरो आ रही है, तो उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि क्यू इसके अंदर जीरो है, इसका मतलब ये हो सकता है कि नेट चार्ज इसके अंदर जीरो है, ठीक है ना। चलिए अच्छा एक चीज और बताऊंगा आपको, एक चीज और बताता हूँ आपको कि अगर आपसे कह दिया जाए कि अगर हमारा जो है ना क्यू की वैल्यू जीरो आ रही है, तो इसका और क्या मतलब हो सकता है, तो इसका और मतलब ये भी हो सकता है, जैसे मान लो आप जानते हो, ठीक है, कि ई वेक्टर डॉट, दैट मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ई डी एस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, मान लो आपकी क्यू की वैल्यू जीरो आ गई, या फिर मैं आपसे ऐसा बोल दूँ कि फ्लक्स की वैल्यू जीरो आ गई, फ्लक्स की वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है ना, तो क्या ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो हमारा आंसर है नहीं। हम ऐसा मान सकते हैं कि भाई हम ऐसा कंक्लूड नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, हम ऐसा मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपका जो ना इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, और अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स आपका जीरो हो सकता है, ठीक है ना, फाई इज इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन में चार्ज के लिए पूछा था आपसे, जो है ना अगले क्वेश्चन में या आने वाले कंडीशन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर फ्लक्स की वैल्यू जीरो है तो क्या हम मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना उस सर्फेस से लिंक होने वाली वो जीरो, तो हमारा सर नहीं मान ले, ऐसे कैसे मान ले, ठीक है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आंसर अपने आप जीरो आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, ये जरूरी हो सकता है कि जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच में जो एंगल है एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भाई 1.18 देखो ध्यान से, कौन सा देखो 1.18,
ठीक है ना। तो जितने क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं हर क्वेश्चन के अंदर एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको कुछ टफ तो नहीं दिए ना, बुक में टफ क्वेश्चन तो नहीं दिए, लेकिन आपको करना क्या है कि अगर आप सभी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर रहे हो तो आप इनको आसानी से कर पाओगे, और अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पे आए हो ना तो हो सकता है आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हमसे कहा गया है भाई क्वेश्चन नंबर 1.18 को देखते हैं, ठीक है ना। 1.18 में हमें क्या दिया हुआ है, तो अभी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब आप इस चीज को बहुत अच्छे समझने की कोशिश करना कि लेट्स से हमारे पास जो है ना एक पॉइंट चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, कितना का 10 माइक्रोकूलम का, जो कि रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अब सेंटर ऑफ ए स्क्वायर साइड, ठीक है ना। अब सुनो, लेट्स से हमें क्या दे दिया गया, हमें दे दिया गया कि भाई हमारे पास जो है ना एक स्क्वायर है, ठीक है ना, एक स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पर एक स्क्वायर शीट कंसिडर कर ली, क्लियर है, ठीक है। चलिए ये हमारे पास स्क्वायर शीट है, हमने क्या किया कि भाई इसके 5 सेंटीमीटर की हाइट पर, ठीक है ना, इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर हमने क्या किया एक चार्ज रखा, ठीक है ना, कितने का, ये +10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, क्लियर थी बात ना। तो हमें निकालना है कि इस चार्ज के कारण से इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा, इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप एक बार इसको सोचने की कोशिश करो, ये हमारे पास एक सरफेस रखी हुई स्क्वायर सरफेस, ठीक है ना, इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा, किसके कारण से, ये सरफेस है, इस सरफेस से 5 सेंटीमीटर की हाइट पर यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज के कारण इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए, फ्लक्स की कैलकुलेशन करने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस को अज्यूम करेंगे, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि गॉसियन सरफेस मतलब क्लोज्ड सरफेस, ठीक है ना, और ये अपना स्क्वायर की जो स्क्वायर है वो क्लोज्ड सरफेस नहीं है। तो हमने इसके लिए एक चीज सोची, हमने कहा कि भाई अगर हम ऐसा बोलें कि ये जो आपका जो चार्ज है वो एक क्यूब के अंदर लिंक है, किसके अंदर पैक है, मतलब क्यूब के अंदर, ठीक है, मतलब क्यूब के लिए लिया क्योंकि क्यूब हमारा एक क्लोज्ड सरफेस होता है, ठीक है ना। तो आप जानते हो कि जैसे मान लो कि मैंने कहा ये एक मेरे पास एक स्क्वायर सरफेस है, ठीक है, अगर मैं क्यूब की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक सरफेस यहाँ से, एक सरफेस यहाँ से, एक सरफेस यहाँ से, एक सरफेस यहाँ से और एक सरफेस ऊपर से, ठीक है ना। तो क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं क्यूब कंसिडर करूँ तो ये जो एक स्क्वायर शीट है ना वो क्यूब का ही तो हिस्सा मानी जाएगी। नहीं समझ में आया, मैंने कहा कि मेरे पास, आपने कहा कि भाई ये जो स्क्वायर है इससे कितना स्क्वायर शीट, इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए मैंने कंसीडर कर लिया कि ये जो स्क्वायर शीट है एक क्यूब का हिस्सा है, ठीक है ना। तो लेट से मैंने कहा कि भाई क्यूब के अंदर अगर कोई चार्ज होता है, ठीक है, तो कितना फ्लक्स लिंक होता है, अच्छा देखो, तो मैंने कहा भाई क्यूब के पास कितनी सरफेस, तो क्यूब के पास टोटल सरफेस है 6 सरफेस, है ना। तो 6 सरफेस कितना फ्लक्स बनाएगी, तो फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। ये हमने क्लोज सरफेस के लिए फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो अब देखो, अगर 6 सरफेस से इतना फ्लक्स लिंक होगा तो एक सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा, फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो इतनी कहानी बताने की जरूरत तो थी नहीं, है ना, हम उसको डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि अगर एक क्यूब है हमारे पास तो उसके पास कितनी सरफेस होती है, बोला 6, कितनी 6, ठीक है ना। तो देखो 4 आसपास और 1-2 ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो देखो तो 6 सरफेस होती है, तो एक सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा, 1/6। लेकिन इतनी कहानी की जरूरत क्यों थी, इतनी कहानी की जरूरत इसलिए थी कि क्वेश्चन जो हमें एनसीईआरटी में जिस तरह से दिया था, हमें कम से कम उसको तो समझना आना चाहिए, ठीक है ना, बात समझ गए। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बोला फाई इज इक्वल टू 1/6, क्यू की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रो कूलम, तो 10 × 10⁻⁶ कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻¹२, ठीक है ना। चलिए ठीक, इतनी बात ठीक है। तो फाई ई इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, आप इसको जो है ना डिवाइड वाइड कर लेना, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आंसर आप निकाल के दिखा दोगे, ठीक है। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ इसका, इसका आंसर आपको मिल जाएगा 1.88 × 10⁵, ठीक है, 1.88 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम्ब मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, बात ठीक है इतनी, ये आपका आंसर हो गया, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो है हमारा 1.19, ठीक है। अब इस 1.19 को समझते हैं कि इसमें हमें क्या करना है, ठीक है। ये भी हमें बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, 1.19, ठीक है। नाउ कंडीशन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जो कि कितना है भाई, क्यू इज इक्वल टू 2.0 माइक्रो कूलाम, ठीक है ना। ये कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ ए गॉसियन सरफेस। लेट्स से हमारे पास क्या है भाई, सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस। तो हमारे पास अगर ये क्यूब है,
ठीक है ना, ये हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर पे जो है ना एक चार्ज रखा हुआ है, वो चार्ज कितना है, वो चार्ज इतना है, ठीक है। तो इस चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो हम क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितना फ्लक्स लिंक होगा यदि इसकी हर साइड 9 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी हर साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप तो मुझे एक बात बताओ कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या इसमें हमें लेंथ से मतलब है, नहीं। याद रखना अभी आपको जो ना एक आध क्वेश्चन मिलेगा, याद रखना कि गॉसियन सरफेस की अगर आप लंबाई चौड़ाई और जो है ना उसकी रेडियस हाइट विड्थ कुछ भी बढ़ा दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस आपकी छोटी है, गॉसियन सरफेस आपकी बड़ी है, गॉसियन सरफेस आपकी बहुत बड़ी है, अगर पूछा जाए कि उससे कितना फ्लक्स लिंक होगा तो उसकी डायमेंशन से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है, ठीक है ना। अब मान लो कि मेरे पास जो है ना ये चार्ज एनक्लोज है, ठीक। अब ये चार्ज एनक्लोज है, अब मैं इसकी गॉसियन सरफेस को बहुत बड़ा बना दूं, इससे क्या मतलब है, अगर मैंने बहुत बड़ा बना दिया और बहुत बड़ा बनाने से उसके अंदर जो चार्ज की वैल्यू है वो अगर बदलती है तब हमारी गॉसियन सरफेस को बड़ा करने से इफेक्ट होता है, अदरवाइज आप गॉसियन सरफेस छोटा ले लो बड़ा ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, बात समझ गए। तो फाई इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे बताओ 9 सेंटीमीटर जो लेंथ दी गई है वो किस चीज़ के लिए दी गई होगी, ये 9 सेंटीमीटर लेंथ सिर्फ इस चीज़ के लिए दी गई है कि स्टूडेंट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करे कि गॉसियन सरफेस की अगर आपको लेंथ दी गई है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, बात समझ गए। बस उसके अंदर चार्ज नहीं एनक्लोज होना चाहिए दूसरा, ठीक है ना। देखो तो फाई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू आपको दे दी 10^2 × 10⁻⁶ कूलम, और आपका जो है ना ये आपको कंडीशन में ला के दे दी, तो एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻½, और अब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो कितनी है 10⁻⁶, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका फाई ई, कटा नहीं है ये, ठीक है। तो ये फाई ई इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁶, ये +6 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में है आपका 8.85। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1, क्लियर है इतनी बात समझ में आ गई आपको, ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है ना आपको क्वेश्चन मिलेगा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1.20, सिमिलर क्वेश्चन है इस तरह के फ्लक्स वाले, ठीक है ना। तो 1.20 को देखते हैं, देखो ध्यान से 1.20, इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करेंगे, और एक बात को याद रखना कि जैसे जैसे थोड़ा आप जो है ना आगे बढ़ते जाएंगे तो सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट करा देंगे आपको, और जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपकी प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ए पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना क्रिएट कर रहा है कोई भी अपना पॉइंट चार्ज है, कितना मतलब फाइ इज इक्वल टू -1.0 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1, ठीक है ना, कूलम -1, ठीक है, अपॉन में है तो ठीक है। टू पास थ्रू स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन चार्ज, इफ रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल, देखो सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया, अब आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, देखो सिंपल सी बात उसने पूछी है कि हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, कैसी, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो कितनी दे दी गई आपको, 10 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि अगर हम इस गॉसियन सरफेस की रेडियस को डबल कर देंगे, ठीक है ना, ए क्वेश्चन में, कौन से क्वेश्चन में, ए वाले, ए पॉइंट में, कि अगर हम इस गॉसियन सरफेस की रेडियस को डबल कर देंगे तो क्या फ्लक्स चेंज होगा, देन हमारा आंसर है फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस को आप डबल कर दो ट्रिपल कर दो उससे कोई मतलब निकलेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, ए वाले का, नो फ्लक्स विल नॉट चेंज, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो निकाल देंगे अपन, है ना। फाई ई इज इक्वल टू आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट करना, तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोला फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये अपन कैलकुलेट कर देंगे, तो क्यू इज इक्वल टू फाई ई की वैल्यू कितनी है, बोला 1 × 10³, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻¹². तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, -8.85, ये आपका 10⁻⁹ कूलम, ठीक है ना, ये क्यू। और यहाँ से हमें एक चीज़ और पता पड़ती है कि आपका जो चार्ज एनक्लोज होगा इस सरफेस के अंदर, इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर, वो कौन सा होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, कैसा है, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो फील्ड लाइन है वो बाहर से अंदर की ओर आ रही होंगी और अंदर टर्मिनेट हो रही होंगी,
क्लियर इतनी बात, बात समझ गए आप? चलिए बहुत सुंदर बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर आपका 1.21, क्लियर। एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एक 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला अपने पास एक स्फीयर है, हैज अननोन चार्ज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द रेडियस। देखो अब इसमें कुछ नहीं दिया गया, ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे मेरे हिसाब से। आपको दिया गया कि एक यूनिफॉर्म, अच्छा ये वाला है कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस है ये आपका 1.21, ठीक है, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे कह रहा है कि भाई जो है ना इसके ऊपर कोई अननोन चार्ज है, अननोन चार्ज मतलब हमें क्यों पता नहीं है, क्यों हमें नहीं पता। इसके बाद कह रहा है कि भाई एक काम करो, जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दे दी गई 20 सेंटीमीटर पर, ठीक है। क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, कहा गया कि भाई आपके पास जो है ना एक स्फीयर है जिसकी जो है ना रेडियस है 10 सेंटीमीटर, जिसको आपने कोई चार्ज दिया क्यू और इस क्यू की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। इस जो ये जो आपने चार्ज क्यू दिया था ना उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर कितनी बन रही है, इज इक्वल टू आपकी जो है ना 1.5 × 10³ न्यूटन पर कूलम। अब आप एक बार मेरी बात को फिर सुनना, हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उस स्फेरिकल कंडक्टर को हमने चार्ज दिया, ठीक है, चार्ज दिया, हमें नहीं पता कितना चार्ज दिया ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। चार्ज दोगे तो वो चार्ज पूरे स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और एक्ट कैसे करता है वो चार्ज कैसे बिहेव करेगा, जैसे मानो कि पूरा का पूरा चार्ज इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, ठीक है, तो इसके पास चार्ज आ गया जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, और इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी है 1.5 × 10³ न्यूटन पर कूलम। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्यू की वैल्यू, दैट मीन्स हमें चार्ज निकालना है, ठीक है ना। चलिए तो चार्ज कैसे निकलेगा भाई, व्हाट इज द नेट चार्ज, तो निकल जाएगा आराम से, जैसे मान लो कि हमें पता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, 1 upon दैट मीन्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये है नहीं वन, मतलब 1/4π0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, तो क्यू निकालना है तो निकाल देंगे, कुछ नहीं करना अपन को। अच्छा क्यू निकालना है तो E × r² / k, ठीक है। एक चीज बताना है, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जो r है वो रेडियस नहीं है, r क्या है, r रेडियस नहीं है, r क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पर जो r स्क्वायर हम लिखते हैं वो किसका स्क्वायर होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर, कहाँ से लेके किस पॉइंट की डिस्टेंस, तो सेंटर से लेके या फिर चार्ज से लेकर के आपके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जहां तक हम निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे दी गई 1.5 × 10³, और जो है आपका r स्क्वायर का मतलब क्या है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁴ अपॉन में क्या दिया, बोला k दिया है तो 9×10⁹। सॉल्व करोगे फर्दर तो आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी, आपको वैल्यू मिल जाएगी q की, दैट मीन्स चार्ज की। इसको सॉल्व कर दोगे आंसर इसका कितना आ रहा होगा, इसका आंसर आ रहा है इसका आंसर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है, अच्छा इसका आंसर आ रहा है 6.67 × 10⁻⁹, ठीक है ना। तो −6.67 × 10⁻⁹ ये आंसर आ रहा है इसका, ठीक है ना। माइनस साइन किसके कारण आ रहा है, माइनस साइन किसके वजह से आ रहा है, तो q इज इक्वल टू माइनस साइन किसके कारण आ रहा है, इसमें दिया है क्या, माइनस साइन इसलिए आ रहा है इसके अंदर क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एंड पॉइंट्स रेडियली इनवार्ड, क्या दिखा हुआ है, पॉइंट्स रेडियली इनवार्ड क्वेश्चन में लिखा है, देखो ध्यान से, पॉइंट्स रेडियली इनवार्ड, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की ओर है, किसके कहाँ कर है, कहाँ पर है, रेडियली इनवार्ड, इनवार्ड मतलब अंदर की ओर, और अंदर की ओर क्यों है, क्योंकि अंदर की ओर जब ही होगी जब इसके अंदर जो है ना नेगेटिव चार्ज होगा, तो हमने रेडियली इनवार्ड लिखा है जिसके कारण से हमने यहाँ पे माइनस साइन लगाया। क्लियर है इतनी बात ना हो। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1.22। ये सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड हैं, तो इसमें तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है, बस यहां से इतना होगा कि आपको फॉर्मूले वगैरह भी याद हो जाएंगे, ठीक है। 1.22 हेडिंग बनाओ, इसमें क्या दिया हुआ है इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब हमारे पास जो है ना एक चार्ज स्फीयर है जिसका डायमीटर दिया हुआ कितना 2.4 मीटर, डायरेक्ट मीटर वैल्यू दी गई, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.2 मीटर,
ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब है सिग्मा दे दिया गया, क्या इसको चार्ज दोगे तो जो चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी है आपको 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 80 × 10⁻⁶ कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्या कंडीशन है, बोला फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर, क्या निकालना है फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर, क्या निकालना है फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर, दैट मीन्स हमें निकालना है क्यू, हमें क्यू निकालना है, क्लियर है, तो निकाल देंगे। बोला किस तरह से निकालोगे, तो आप इसको सिंपल हम जानते हैं, बोला सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, जैसे मान लो इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है, अच्छा अच्छा फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, चलो तो हमें क्या निकालना है भाई इसके कारण से, जैसे मान लो फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक, फाइंड द चार्ज ऑन सरफेस, तो चार्ज ऑन सरफेस तो सिंपल इस तरह से निकल आएगा आपका, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सिग्मा की वैल्यू दे दी गई है, सिग्मा की वैल्यू दे दी और ए की वैल्यू क्या है, सिग्मा ए इज इक्वल टू क्यू, तो आपका ये क्यू इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू आपको दी है 80 × 10⁻⁶ और ए, ए का मतलब क्या है एरिया, ए का मतलब क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर, कितना हो जाएगा मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 1.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसको सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिल जाएगी चार्ज की, कर लोगे इसको सॉल्व, कर लेना। इसके बाद आपको इसमें बी क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना इसको लीव करेगा, तो अब मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो का टाइमिंग मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, है ना, इन छोटी छोटी कैलकुलेशन करने में। बोला फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से निकालोगे तो आपको जो है ना फ्लक्स लिंक होता हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया है 1.23 को देखो, 1.23 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास एक लीनियर चार्ज है, इन्फिनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज प्रोड्यूसेस 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम का मतलब क्या है बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, क्लियर है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हमारे पास जो है ना एक लीनियर चार्ज वायर है, ठीक है ना, इस पे जो है ना चार्ज इस तरह से बिखरा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर कितना 2 सेंटीमीटर, यहाँ से मान लो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए देखो लीनियर चार्ज वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो कितनी होती है, बोला E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 πε₀ × r, क्लियर है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भाई कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या लेमडा निकालना है हमें, क्लियर है ना, तो बस निकाल देंगे। E की वैल्यू आपको दी है कितनी 9 × 10⁴, ठीक है ना, 2 π भी इस साइड आ जाएगा तो 2 × π, दैट मीन्स 2 π, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास है 8.85 × 10⁻¹² इंटू, आर की वैल्यू हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का मतलब है 0.02 मीटर, ठीक है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना, लेमडा की वैल्यू, और लेमडा की वैल्यू आपको बता देनी है, क्लियर है ना, इसको सॉल्व कर लोगे, लेमडा की वैल्यू हम आपको बता देते हैं कितनी निकल के आ रही है, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू आ रही है हमारी 9 × 10⁴, कितनी आ रही है, अच्छा सॉरी ये वैल्यू आ रही है हमारी 10⁻⁷ कूलाम पर मीटर, 10⁻⁷ कूलाम पर मीटर, क्लियर है, इतनी बात कूलाम पर मीटर ये वैल्यू अपनी आ रही है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ इसको समझते आराम से, ठीक है। तो 1.24 इसके बाद हमारे एडिशनल एक्सरसाइज हो जाएंगे, जो कि हमारे एडिशनल नहीं है, हमारे एनसीईआरटी के हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे एडिशनल से ही पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है ना। तो देखो तो 1.24 करते हैं, 1.24 में क्या दिया हुआ है, बोला कुछ नहीं दिया, 1.24 में आपको ये दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, दो लार्ज मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है ना, जो कि पैरेलल रखी हुई हैं और दोनों की इनर सरफेस पे क्या लिखा हुआ है, ऑन द इनर सरफेस प्लेट्स हैव सरफेस डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइंस, है ना। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेट्स हमारे पास एक ये प्लेट है, ठीक है ना, चलो एक हमारे पास इसी तरह से दूसरी प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है ना। इसके जो है ना, जैसे मान लो इसकी इनर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसकी इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और जो है ना चार्ज डेंसिटी हमें दी हुई है, चार्ज डेंसिटी कितनी दी हुई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू 17 × 10⁻²² कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी ये छोटे क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि मुझे आपको ये भी बता देना चाहिए कि सिग्मा की वैल्यू हम कैसे पहचानते हैं। सर ये तो बहुत छोटी बात बता रहे हो आप, ये तो हमें पता है,
लेकिन मान लेते हैं कि उस स्टूडेंट जो कि जो है ना बहुत वीक है, उसको नहीं पता, तो हम कैसे पहचानेंगे भाई सिग्मा की वैल्यू है ये? तो हमें दिया है ना कूलाम पर, देखो इसकी यूनिट देखो, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम मतलब चार्ज, पर मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, तो क्यू अपॉन ए क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। तो देखो अब बताओ आप मुझे कि इसके आपसे पूछा है, बोला आउटसाइड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, लेफ्ट में राइट में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और इसके बीचों बीच कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो इसमें जो फर्स्ट पोर्शन है इसका, इसमें क्या पूछा है, इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, फर्स्ट प्लेट अगर ये है तो फर्स्ट प्लेट का आउटर रीजन कौन सा, बोला ये वाला, ये बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो हमेशा बोलना कि आप खुद से देखो ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चार्ज कहां पर है, चार्ज है इनर सरफेस पे, कहां पर, इनर सरफेस पे, अंदर वाली सरफेस पे, ठीक है ना। तो देखो ये वाला रीजन भी खाली, इसमें भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसमें भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अंदर, ठीक है। और हमने इसको डिराइव भी किया हुआ है, बहुत अच्छे से डिराइव कराया मैंने आपको क्लास के अंदर, ठीक है ना। जब हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ी हुई है, सेकेंड पार्ट देख लेना, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में जाकर के सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला, ठीक है ना, ध्यान से देखना उसको, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे क्या है भाई, हम जानते हैं कि अगर जब भी ऑपोजिटली चार्ज प्लेट हमें इस तरह से मिले, जैसे कि कैपेसिटर की प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी बाहर की ओर नहीं बनती, बाहर की साइड नहीं बनती, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी, हमेशा बीच में बनेगी, प्लेट्स के बीच में बनेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बात समझ पा रहे हो? तो कितनी बनती है, मतलब E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से निकालोगे तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपसे बन जाएगा ये 22 कूलाम पर मीटर। इसकी यूनिट नहीं लिखते हैं, बाद में लिख देंगे डायरेक्ट, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कैंसिल करोगे, चलिए तो आपका 10 टू द पावर माइनस 10 हो जाएगा ये, ठीक है। और 8.85 का ऐसा मान लो कि भाई ये डबल हो गया या फिर टू टाइम्स हो गया, तो E इज इक्वल टू आपको कुछ 1.9 करके आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। 8.85 को 1.9 मान लो इसका आंसर, ठीक है ना। तो 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। नाउ कम टू द एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो कि हमारा 1.25, दो तीन क्वेश्चन और करेंगे पेज जो है ना 1.28 तक, उसके बाद जो है ना थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। चलो यहाँ से जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1.25, बोर्ड को साफ करते हैं, थोड़ा सा चाय पानी पी के आओ आप, है ना, और 5 मिनट आराम से रेस्ट ले लो, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 1.25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1.25, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में कराए हुए हैं, जो हमारी थर्ड या फोर्थ क्लास थी उसके अंदर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टाइप में देखे हुए हैं, जब हमने जो है ना न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, तब मैंने आपको इस तरह के जो है ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखो उन्हीं में से एक छोटा सा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई एक ऑयल ड्रॉप है क्या, एक ऑयल ड्रॉप, लेट्स हमने ये यहाँ पर एक ऑयल ड्रॉप बना दी, ठीक है ना। इस ऑयल ड्रॉप के पास 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स के पास क्या है भाई, जैसे मान लो अगर कोई ड्रॉप हमारी न्यूट्रल है, ठीक है, तो उसके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस ऑयल ड्रॉप के पास कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस मतलब ज्यादा, तो इसके पास क्या है भाई, 12 इलेक्ट्रॉन के जितना नेगेटिव चार्ज होगा, क्लियर है ना। तो 12 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ये क्या है इसके ऊपर चार्ज है, क्यू इज इक्वल टू उतना, ठीक है ना, बात समझ गए आप। तो देखो क्यू ये किसकी वैल्यू, बोला एन, और ये क्या है, बोला चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ये चलो इतना हो गया, ठीक है। तो चलो मैं अभी ये मान के चलता हूँ कि भाई ये मेरे पास एक ऑयल ड्रॉप है और इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। नाउ इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इज हेल्ड स्टेशनरी यानी कि जैसी रखी है ना, दैट मीन्स हेल्ड स्टेशनरी, ये स्टेशनरी रखी हुई है अंडर कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट्स से हमारे पास जो है ना, इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं कि भाई ये हमारी एक पॉजिटिव सरफेस हो गई और ये हमारी नेगेटिव सरफेस हो गई, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्लियर है। तो अच्छा आपके दिमाग में ये कई बार क्वेश्चन आता होगा कि भाई इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव क्यों लिया, तो देखो ये क्या होगा ना, पॉजिटिव प्लेट इसको ऊपर की साइड खींचेगी ये, ठीक है ना, और नेगेटिव जो है ना इसको ऊपर की साइड पुश करेगी, ठीक है। जबकि इसका दैट मीन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन और अट्रैक्शन, दैट मीन जैसे बोलूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे कहाँ लगेगा, ऊपर की साइड, और जो है ना इसके इसका वेट कहाँ लगेगा, बोले नीचे की साइड, कितना हो जाएगा, दैट मीन्स मैं इसको बोलूंगा mg फोर्स, ठीक है ना। इसके वजन के कारण नीचे आ रही है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर ऊपर की साइड फोर्स लगेगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको नेगेटिव लेता
ठीक है ना, ऊपर वाली प्लेट को मान लो नेगेटिव ले लेता मैं, ठीक है, तो ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव और ये आपकी जो नेगेटिव, तो इनमें रिपल्सन होता तो नीचे गिर जाती, तो ये स्टेशनरी कैसे रह पाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, नहीं रह पाएगी ना। तो अगर ये एक जगह पे स्टेशनरी रह जाए इसके बीच में, तो जरूरी क्या है कि ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव, जिसके कारण से क्या होगा कि ऊपर लगा एफ ई और नीचे लगा आपका फोर्स ड्यू टू वेट, आप ऐसे बोलो, है ना, इज इक्वल टू वेट, ठीक है ना। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, इस पर कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई, ठीक है ना, वेट कितना है भाई, एम जी, ठीक है। तो देखो, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, हमें क्वेश्चन के अंदर निकालना है रेडियस ऑफ दिस ऑयल ड्रॉप, क्या निकालना है, हमें निकालना है रेडियस ऑफ दिस ऑयल ड्रॉप, रेडियस ये हमें कैलकुलेट करनी है, आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो, ये क्यू ई और ये एम जी, दैट मीन्स ये दोनों फोर्स जब इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे तो ये स्टेशनरी की कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है ना। देखो, तो क्यू की वैल्यू कैसे निकालें, हम जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्या जानते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू आपकी 12, ठीक है, ई की वैल्यू क्या है, बोला 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, क्लियर है। तो मैं इसको, चलो अभी मैं एक काम करता हूँ कि इसको लिख दिया मैंने क्यू इज इक्वल टू एन ई इंटू ई, ठीक है ना, Q इज इक्वल टू एन ई इंटू ई जैसा का जैसा इज इक्वल टू एम जी। एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं जानता हूँ डेंसिटी, यहाँ पे कौन सी डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक, क्यों, क्योंकि जो हमारी जो ऑयल ड्रॉप है उसके पास क्या होगा, वॉल्यूम, स्फेरिकल है, ठीक है, तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, तो मास इज इक्वल टू कितना होगा, बोला रो इंटू वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, जी मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो कुछ नहीं करना, एन ई इंटू ई इज इक्वल टू, रो की वैल्यू कितनी है, बोला रो को तो हमने रो लिख दिया, अच्छा रो की वैल्यू दी है क्या, बोला दी है दी है दी है दी है, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, रो की वैल्यू भी निकाल देते हैं, तो रो की वैल्यू आपको दी है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, तो 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो देखो कन्वर्ट करेंगे तो 1.26 को जैसा कैसा रखा इंटू ग्राम को मैं क्या लिखूंगा, बोला 10⁻³ किलोग्राम, कन्वर्जन कर लिया मैंने ग्राम का किलोग्राम में, इसी हिसाब से मैं इसको लिखूंगा 10⁻²⁺ मीटर और ये क्यूब, क्लियर है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे, 1.26 इंटू 10⁻³ और ये मेरा कितना हो गया अपॉन में 10⁻⁶ मीटर क्यूब, क्लियर है। इसको मैं आगे फर्दर सॉल्व करूंगा, 10⁻³ बचेगा ये, और जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये 10⁻³ ऊपर पहुंचेगा तो ये 10⁻³ हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1260 और केजी पर मीटर क्यूब। ये रो की वैल्यू मैंने निकाल दी, डायरेक्ट भी कर सकता था मैं इसको, लेकिन मैंने एक एक स्टेप आपको समझाने के लिए इसको आराम आराम से किया, ठीक है ना। देखो, एस्टिमेट द रेडियस, तो रेडियस मुझे निकालना है, ठीक है, तो V इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम होता है आपका जो है ना स्फेयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हमारी जो ऑयल ड्रॉप है कैसी, स्फेरिकल, इंटू जी, बस मुझे कुछ नहीं करना, बस इस आर की वैल्यू को मैं जो है क्या करूंगा, थोड़ा सॉल्व करूंगा, ठीक है। देखो यहां से क्या करते हैं, बोला आर की वैल्यू को निकाल दो बस, तो यहां से एन ई इंटू ई और 3 पहुंच जाएगा ऊपर, तो इंटू 3 अपॉन में क्या पहुंचेगा, बोला रो 4π अपॉन में जी, दैट मीन्स मैंने ट्रांसफर कर दिया ऊपर की वैल्यू नीचे और ये ऊपर, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या लिखा है, बोला आर क्यूब, आर क्यूब, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी मेरी, ये कंडीशन हो जाएगी एन ई इंटू ई इंटू आपका जो है ना 3 अपॉन रो 4π जी इज इक्वल टू, अच्छा जी इतना हो गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा, बोला आर क्यूब इस साइड आएगा तो 1/3 हो जाएगा इज इक्वल टू आर, क्लियर है। मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा इसको पूरा सॉल्व, और पूरा सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 9.81 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा, मतलब आर इज इक्वल टू, देखो क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज पुट करेंगे, एन की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू 12, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ई की वैल्यू क्या, बोला 1.6 10 टू पावर माइनस 19। कैपिटल ई की वैल्यू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है, बोला दी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 2.55 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, 3 की वैल्यू दी है, रो की वैल्यू अभी मैंने निकाल दी, 4 पाई की वैल्यू हम जानते हैं, जी की वैल्यू हम जानते हैं। तो अब आपको जो है ना सॉल्व करना पड़ेगा, इतना काम तो करना पड़ेगा ना। तो कितना आंसर हमने बोला आपसे, हमने आपका आंसर बोला 9.81 इंटू 9.81 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया, जो कि हमें जो है ना अच्छे से करना है इसको सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किस तरह से दिया जाएगा इस पे अपन ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अब जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिए हैं, कुछ फिगर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन फिगर्स को आप ध्यान से देखो और देखने के बाद सोचो कि कौन सा जो है ना हमारा फिगर सही हो सकता है। ठीक है ना, कौन सा फिगर हमारा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैटर्न बोर्ड जो है ना आपके इमेजेस में दिखाई दे रहा है वो आपको सही लग रहा है। ठीक है ना, तो देखो अगर हम बात करें किसकी, देखो ध्यान से फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वाले में देखो कुछ जो हमें इस तरह का जो है पैटर्न वगैरह देखने को मिल रहा है। और हम देख पा रहे हैं कि हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कंडक्टिंग सरफेस पर कैसी होगी, अच्छा, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि किसी आपने इसको चार्ज दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसी होनी चाहिए, इस पर परपेंडिकुलर। हम देख रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भी है तो ये तो हम नहीं देखते ना। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये पहली बात। तो ये वाला अपना आंसर गलत हो गया। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में क्या हो रहा है, वो प्लस से लाइन जा रही है माइनस में और फिर माइनस से प्लस में जा रही है ना, हमें ये दिखाई दे रहा है, बोला प्लस से जा रही है माइनस में, ये तो ठीक है। ठीक है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं, बोला माइनस से प्लस में, ऐसा कहीं हुआ है क्या? ठीक है, तो माइनस से प्लस में कहीं लाइन जाती है, बोला नहीं, ये सी वाला बी ऑप्शन अपना गलत है। सी वाला एकदम ठीक है, ड्यू टू रिपल्जन ये इस तरह का जो है ना बीच में न्यूट्रल पॉइंट बन जाता है और इस तरह की लाइन अपनी दैट मीन्स पॉजिटिव चार्जेस के लिए अपनी इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है, इसको तो हम जानते हैं। ठीक है ना, अच्छा, तो अपना सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। इसके बाद और भी चेक कर लेते हैं कि हमारे डी और ई करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो आप इसमें क्या लगोगे कि हमारा सी जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। इसके बाद डी देखो, डी तो एकदम ही गलत है, एकदम बकवास तरीके से दिया हुआ है। देखो ध्यान से कि पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकल के पॉजिटिव में जा रही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन तो अपना गलत है। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें एक चीज और दी हुई है कि फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, कर रही है नहीं कर रही है, ऑप्शन डी में जो फील्ड लाइन है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, आपस में काट रही है, बोला एक लाइन यहां से जा रही है और एक लाइन यहां से जा रही है, तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है और हम जानते हैं दो इलेक्ट्रिक लाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके बाद देखो जो आपका ई ऑप्शन है, ई ऑप्शन में देखो इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें आपको इस तरह की नजर आ रही हैं। ई ऑप्शन में हमें कुछ इस तरह का जो है ना कंडीशन दिखाई दे रही है जो कि एकदम गलत है। आप दो डायग्राम के अंदर देखोगे कि आपको जो है ना छोटे छोटे सर्कल दिखाई दे रहे हैं। देखो एक आपके पास ये कंडीशन बना के दे दी, ये इसको पॉजिटिव चार्ज बना दिया, पॉजिटिव चार्ज बना दिया इसको, और जो है ना इसको नेगेटिव चार्ज बना दिया। ठीक है, तो आपने जो है ना किसी भी तरह से जो है ना यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई, मतलब ये ठीक है, चली जाने चले जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ पर है जो बीच में इनके अंदर सर्कल बन गए ना, ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है कि याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। बोला सर इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब आपको जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के सबसे बेसिक चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, तो देखो क्लोज लूप का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां से स्टार्ट होती हैं वहीं पे खत्म नहीं हो जाती। क्लोज लूप का मतलब है कि ऐसे स्टार्ट होगी ऐसे खत्म नहीं होती कभी भी, है ना, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और पॉजिटिव पे खत्म नहीं हो जाएंगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी तो नेगेटिव पे खत्म होंगी, दैट मीन्स तरह का जो चक्कर है क्लोज लूप है वो कभी भी नहीं बनाती। तो ये अपना ठीक है। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1.27 को देखो, 1.28 तो लॉजिकल क्वेश्चन है अपना, ठीक है ना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, 1.27 को एक बार पढ़ लो, आराम से पढ़ लो उस क्वेश्चन को। ठीक है, खुद से दिमाग लगाओ, थोड़ा सा हटा दें तब तक इसको, डायग्राम बनाओ अपनी कॉपी पे कि किस तरह से आपको लगता है कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1.27 में आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड एक्सिस। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लो, पढ़ लिया आपने है ना, और साथ में पढ़ते जाना। क्वेश्चन में दिया हुआ कि इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, दैट मीन्स किसी भी स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जेड एक्सिस में, कहां पर है, जेड एक्सिस में। तो हमारे पास तीन एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल और जेड एक्सिस
इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है ना, अंदर की ओर और बाहर की ओर जब हम जाते हैं तो हम जेड एक्सिस की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बाद कह रहा है हाउएवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज, पढ़ो इसको। हाउएवर इट इज नॉट कॉन्स्टेंट बट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली अलॉन्ग द पॉजिटिव जेड एक्सिस। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सुनो एक बार क्वेश्चन को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव एक्सिस, देखो इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इंक्रीजिंग है। इसके बाद कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई विद चेंज इन जेड एक्सिस, दैट मीन्स विद चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है ना। चलिए विद चेंज इन डिस्टेंस, जेड एक्सिस में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज आ रहा है। और देखो इस डी ई पर डी ई अपॉन डी जेड की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 10^5 न्यूटन पर कूलाम्ब पर मीटर, देखो पर मीटर। अच्छा अब आप पहचानोगे कैसे कि भाई ये डी ई अपॉन डी जेड की वैल्यू है, तो देखो ध्यान से देखना यूनिट, देखो क्वेश्चन में जो आपकी यूनिट लिखी है उसके उससे हम पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो 10^5, ठीक है, ई की यूनिट क्या बोला न्यूटन पर कूलम, अपॉन में क्या है जेड, जेड का मतलब जेड एक्सिस में डिस्टेंस, ठीक है ना। तो जेड एक्सिस में डिस्टेंस की यूनिट क्या बोला मीटर, इस तरह से हम इसमें पहचान जाएंगे। इसके बाद पूछ रहा है द मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट बट इंक्रीजिंग, ठीक है, एट द रेट ऑफ, ठीक, व्हाट आर द फोर्सेज and torque experienced by a system having total dipole moment equal to 10^-7 coulomb meter in the negative z direction, देखो तो condition में आपको दे दिया गया कि हमें force निकालना है, force, ठीक है, और हमें निकालना है torque, ठीक है। किस पर टॉर्क निकालना है, किस पर फोर्स निकालना है, हमें उस सिस्टम पे निकालना है जिसके अंदर डायपोल्स हो सकते हैं और उस डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू दे दी गई वो है 10^-7 कूलाम मीटर, ठीक है ना, इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, इन द, ये बहुत सही बात है भैया कि आपको इसको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द नेगेटिव, दैट मीन्स डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है, कहां पर है, इन नेगेटिव जेड, दैट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो इन नेगेटिव जेड, ठीक है। और जबकि हमें क्वेश्चन में दिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव जेड, बहुत सुंदर बात है भाई। देखो हम जब जैसे मान लो अब आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि जब हम टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा होगा नहीं होगा, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी दी हो 10^-7, ठीक है ना। ई साइन थीटा, देखो ई साइन थीटा साइन, अच्छा देखो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ये वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। तो पी ई साइन थीटा, देखो ध्यान से, दैट मीन्स डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बोला 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पहले ही दिया है बोला इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड डायपोल मोमेंट इज इन नेगेटिव, सर पॉजिटिव जेड डायरेक्शन एंड डायपोल मोमेंट इज इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर की साइड जो है ना ये डायपोल मोमेंट, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बन गया वो कितना हो गया साइन 180 डिग्री, ठीक है ना। तो टाउ टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो जीरो हो जाएगी, यहीं से कैलकुलेट हो गया, ठीक है ना। नाउ जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो हमारा क्या बोले, फोर्स और निकाल लो तो आपका सही काम बन जाएगा। क्या निकालना है, हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स के लिए थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा देखना है इसको ध्यान से। हमने कहा भाई फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्या होता है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है। अब जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है दैट मीन्स हम ऐसा देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरी तरह से कांस्टेंट नहीं है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह से कांस्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली बदल रहा है, पहली लाइन में लिखा हुआ दूसरी लाइन में, हाउएवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट इट इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे कि भाई ई जो अगर मैंने कैपिटल ई लिख दिया इसका मतलब है कि पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे DE, यानी कि बहुत छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, समझ रहे हो, समझ पा रहे हो, बहुत छोटी सी डिस्टेंस के लिए, ठीक है। देखो हमने क्या किया, F इज इक्वल टू, यहां पर एक काम करते हैं कि डी जेड का इंटू डी जेड का डिवाइड, तो DE अपॉन डी जेड, ठीक है, और डी जेड का इंटू डी जेड का डिवाइड, तो इस तरह से मेरा काम बनेगा। तो देखो फोर्स, दैट मीन्स F इज इक्वल टू, ये डी जेड क्या है, प्लस जेड एक्सिस में डिस्टेंस, ठीक है ना। तो चार्ज इंटू डिस्टेंस क्या होता है, डायपोल मोमेंट, दैट मीन्स मैं इसको P लिख सकता हूँ, और डी ई अपॉन डी जेड की वैल्यू तो मेरे पास है ही, ठीक है ना। तो डी ई अपॉन डी जेड, बस इन वैल्यूज को मुझे पुट करना है, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, P की वैल्यू मुझे पता है 10^-7 दी है, ठीक है ना। अच्छा इसके साथ साथ ये दी है ना, ये दी कूलम मीटर, डी ई अपॉन डी जेड की वैल्यू मुझे पता है 10^5,
न्यूटन पर कूलम मीटर दी है, ठीक है ना। और ये क्या है आपका कूलम मीटर, इसकी वैल्यू थी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू यूनिट थी कूलम मीटर। तो आपका फोर्स इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 10^-2 न्यूटन। दैट मीन्स आपका ये हो गया एफ इज इक्वल टू 0.01 न्यूटन। क्लियर है, ये फोर्स की वैल्यू हमने निकाल दी। बात समझ में आ पा रही है आपको इतनी। इसके बाद देखो 1.28, एक बार इसको और समझ लेना ध्यान से, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे तो मैंने बहुत आराम से समझाया ना इसको, ठीक है ना। 1.28 देखो, है ना, और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। चलो 1.28 के बाद आज की इस क्लास को ऑफ रखेंगे, और उसके बाद जो है ना 1.29 से स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कंडक्टर ए विद ए कैविटी एज शोन इन फिगर। मान लो कि हमारे पास जो है ना पहला कंडक्टर दिया हुआ है, इस तरह से ये दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर एक कैविटी है, ये इस तरह से, कैविटी मतलब खाली स्पेस, और ये बीच में ये भरा हुआ है, ठीक है ना। कंडक्टर है तो जो भी चार्ज दोगे वो सरफेस पे ही आएगा, ठीक है ना। तो आपको बस यही बताना है, सो दैट एंटायर चार्ज मस्ट अपियर ऑन द आउटर आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो जो क्वेश्चन नंबर आपसे ए पूछा गया है उसमें आपको बताना है, आपको ये प्रूव करना है कि जो क्यू है ना, जो सारा का सारा चार्ज है वो इसकी सरफेस पे आ जाए, सरफेस पे आ जाए। सरफेस पे आने का मतलब क्या है कि इसके इंटीरियर में, इंटीरियर में जो चार्ज है, जो क्यू है, वो जीरो होना चाहिए। बस ये प्रूव करना है हमें। तो हम जानते हैं वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। तो क्या बोलोगे, ई इनसाइड दिखाई दे रहा है आपको, ई इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। तो देखो हम जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, ठीक है। तो बस इसी का सहारा लेके हम क्यू की वैल्यू को जीरो प्रूव कर देंगे, बिकॉज वी नो दैट हम जानते हैं भाई गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम से कहती है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन फॉर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के अंदर अगर जीरो है तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोला क्यू की वैल्यू हो जाएगी जीरो, दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो ये चार्ज हम जीरो प्रूव कर देंगे। और वैसे भी हम जानते हैं कि जो भी चार्ज अगर आप इसको दोगे तो बिकॉज ऑफ रिपल्सन फोर्स क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा चार्ज इसके एक्सटीरियर पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी का जो बी पोर्शन दिया है इसको आप ध्यान समझना, ये थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक है ना। देखो देखो बी पोर्शन में क्या दिया हुआ है, तो इसी क्वेश्चन का अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फास्ट ले लो स्क्रीनशॉट। देखो इसके बाद देखो क्या है कि भाई इसका बी पोर्शन क्या दिया हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखो तो कंडीशन आपको ये बना के दे दी गई कि लेट्स से हमारे पास जो है ना यही कैविटी है, इस तरह का यही स्फीयर है, ठीक है ना। इस स्फीयर के अंदर जो है ना ये हमने क्या बोला कि भाई ये सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टिंग है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया कि इस बार जो है ना पहले हमने इसको चार्ज दिया क्यू, ठीक है। हमने इसको कितना चार्ज दिया, बोला क्यू चार्ज दिया, ठीक है ना पहले। अच्छा देखो तो आप एक काम कर लो कि यहाँ पर भी पहले हमने कितना चार्ज दिया था, बोला क्यू। अगर हमने क्यू चार्ज दिया था तो देखो इन सब की वैल्यू कितना बोल दो, ये क्यू, ठीक है ना। चलो बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या बोला इसको, ठीक है। देखो सेकंड जो उसका बी पार्ट है उसको एक बार देखो, इस बी पार्ट में दिया हुआ है कि हमारे पास जो है ना ये चार्ज है क्यू, दैट मीन हमने इसको ऑलरेडी चार्ज दिया हुआ है क्यू। अब हमने क्या किया कि एक पॉजिटिव चार्ज, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज लेकर के गए और जो है ना इसके इंटीरियर में ले जाकर रख दिया, क्या कर दिया, इसके इंटीरियर में ले जाकर के रख दिया, अंदर वाले ये खोखली जगह पर रख दिया। तो हमें ये प्रूव करना है कि बाहर वाले पे जो चार्ज हो जाएगा वो q प्लस q हो जाएगा, दैट मीन जो चार्ज हमने अंदर दिया ना वही चार्ज बाहर आ जाएगा। बोला कैसे आ जाएगा, तो हमारा आंसर है आप उसको बोलना ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस। किससे वो होगा, ड्यू टू इंडक्शन। देखो प्लस q चार्ज, आप q चार्ज इसके पास ऑलरेडी था, ठीक है ना, और प्लस q चार्ज ले जा करके हमने इसके इंटीरियर में रख दिया, कहाँ रख दिया, इंटीरियर में, अंदर वाले पोर्शन में, ठीक है ना। तो ये प्लस q चार्ज क्या कर लेगा, इसकी इनर सरफेस पर माइनस q चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। माइनस q चार्ज, ये प्लस q ने क्या कर लिया, बोला ये प्लस q चार्ज ने माइनस q को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, अगर माइनस q अट्रैक्ट हो गए तो प्लस q रिपेल हो जाएंगे, और प्लस q रिपेल हो गए तो उसका मतलब है कि ये प्लस q जो है ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये प्लस q अपनी सरफेस पे आ जाएगा। दैट मीन्स इसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज हो गया, इसके आउटर सरफेस पे जो चार्ज हो गया वो q प्लस q हो गया। समझ गए इतनी बात। तो देखो तो हमें क्या समझ में आ गया कि भाई अगर हम किसी मेटल के इंटीरियर को कोई चार्ज देते हैं तो सारा का सारा चार्ज उसकी एक्सटीरियर, दैट मीन्स आउटर सरफेस पे पहुंच जाएगा। क्लियर है तेरी बात। चलिए तो इस तरह से जो है ना अपना ये पार्ट सेकंड एनसीईआरटी का होता है। अच्छा मैं चाहूँ, जैसे मान लो अगर मैं इसको कोशिश करता
थोड़ी सी बड़ी वीडियो होती, तो ये 2.5-3 घंटे के अंदर जो है ना हमारा 3 घंटे आप मान के चलो तो हमारा पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस नहीं बोलूँगा, पूरा एनसीईआरटी का जो है ना बैक एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। लेकिन 3 घंटे की वीडियो शायद आपके लिए भी देख पाना मुश्किल होगी, है ना, क्योंकि हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन नहीं बनते, तो उनके लिए क्या करें, उनके लिए बस इतना ही है कि 40-50 मिनट की वीडियो के हिसाब से आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो इतना काम आज के लिए बहुत है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको जो है ना ये सारी चीज़ें हेल्पफुल हो पा रही हैं आपके लिए या नहीं हो पा रही हैं, कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। तो आपके कमेंट का मैं वेट करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, थैंक यू।